अब आया समय मास्टर प्लान का वाइस एडमिरल कृष्णन कॉल्ड लेफ्ट कमांडर इंदर सिंह टू हिज ऑफिस लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह हरियाणा के एक जाबाज नेवल सी ऑफिसर नेवल ऑफिसर वो आईएनएस राजपूत को कमांड कर रहे थे और उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिले दैट ही इज गोइंग टू लीड अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन लेकिन सबसे पहले वाइस एडमिरल कृष्ण ने उन्हें कहा सन दिस मे बी असाइडल मिशन फॉर यू लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह समझ गए कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन आज उनके सामने है उन्होंने फख्र से इस मिशन को एक्सेप्ट किया द मिशन वॉज टू गो इन टू द हाई सीज पोज़िंग एज आई के बहुत सारे वायरलेस मैसेजेस और बहुत सारे ट्रांसमिशन उस शिप से होते हैं आईएनएस एन एस विक्रांत का सिग्नेचर यूज करके राजपूत को बहुत सारे मैसेजेस हाईसी से रिले करने थे ये सारे मैसेजेस गहराई में बैठा हुआ पीएनएस गाजी नोटिस कर रहा था और वो समझ गया कि पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर से जो उसके पास मैसेज आया था वो सही था हाई सीज में आईएनएस विक्रांत है दिस वाज द ट्रैप दैट वी हैड सेट फॉर गाजी और गाजी अपने आप ही इस जाल में फंसता चला गया इंदर सिंह आईएनएस राजपूत को लेकर आगे बढ़े बहुत सारे मैसेजेस रिले करते हुए एक मैसेज तो ऐसा भी था जिसमें एक सेलर ने यह मैसेज भेजा कि मैं आई एन एस विक्रांत से बोल रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी मदर की तबियत ठीक है इट वॉज इट वॉज अ ब्रीच ऑफ यूजुअल रेडियो मैसेजिंग ड्यूरिंग वॉर टाइम हम कभी भी अपने शिप का नाम नहीं लेते हैं लेकिन यहां तो हमें यह बताना था कि हम आई एन एस विक्रांत हैं गाजी हमें ऑब्जर्व कर रहा था लेकिन इस समय उसने कुछ नहीं किया क्योंकि लड़ाई उस समय तक छिड़ी ही नहीं थी जैसे ही आई राजपूत वापस पोर्ट तक पहुंचे अगले ही दिन पाकिस्तान ने हमारे दस बेसिस के ऊपर अटैक किया और युद्ध की घोषणा कर दी वी वर रेडी फॉर दिस डे जैसे ही पाकिस्तान ने बेसिस पे अटैक किया यहां से मिसाइल बोट्स ऑफ इंडियन नेवी अटैक्ड कराची हार्बर और कराची हार्बर के ऊपर हमने वो शोर अटैक किया कि एक हफ्ते तक कराची का जो पोर्ट था वो जलता रहा सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी इट वॉज लाइक अ फायर बॉल और जिस समय कराची के पोर्ट पर हमने अटैक किया विशाखापट्टनम समुद्र में आईएनएस राजपूत वापस पीएनएस गाजी की तलाश में बाहर निकले क्योंकि इस समय तक युद्ध की घोषणा हो चुकी थी विशाखापट्टनम शहर रात के समय अंधेरे में डूबा हुआ था पोर्ट पर भी एक भी लाइट नहीं चल रही थी और आईएनएस राजपूत के सभी नेविगेशनल एड्स ऑफ थे पीएनएस गाजी समुद्री सतह तक निकला क्योंकि उसे इतने अंधेरे में अपनी बियरिंग पता करने के लिए पेरिस्कोप लेवल तक आना ही पड़ा सामने से एक डिस्ट्रॉयर को तेज गति में आगे आते देखकर पीएनएस कासी ने वापस पानी में डाइव लगाई और यही डिस्टरबेंस आईएनएस राजपूत में लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह ने ऑब्जर्व करी क्योंकि रात का अंधेरा था वो एकदम क्लियरली ये नहीं बता पाए कि ये संबलीन है कि नहीं लेकिन उन्होंने एक डिस्टर्बेंस को नोटिस किया ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड फायरिंग द डेप्थ चार्जेस वन टू टू डेप्थ चार्जेस वेंट ऑन अहेड इन टू द सी डेप्थ चार्जेस क्या होते हैं आप यह मान लीजिए जैसे पानी के अंदर तोपें चल रही हूं सो so, बॉम्ब अंडर वॉटर वेंट ऑन अड टुवर्ड्स द जनरल डायरेक्शन आई एन एस राजपूत आगे बढ़ते गए और फिर एकदम से एक तेज धमाके की आवाज हुई जैसे ही यह तेज धमाका हुआ इंदर सिंह समझ गए दट समारगेट हैज बीन हिट लेकिन क्योंकि वह रात का अंधेरा था और समुद्र में बहुत गहरे ये अट, ये एक्सप्लोजन हुआ That time, he could not tell anything for sure. But as soon local fishermen noticed some oil slick on the surface of the sea. And they also noticed some debris. They immediately informed Indian Navy. Vice Admiral Krishnan was very hopeful and very joyous that we have But still, we needed proof. डाइवर्स ऑफ इंडियन नेवी वर सेंट क्योंकि यह बहुत गहराई में जाकर ऑलमोस्ट ऑन द सी बेड ये पी एन एस गाजी समुद्र के नीचे बैठ चुका था और इतनी गहराई तक डाइव करने के लिए और उस, उस भारी सबमरीन को ब्रीच करने के लिए हमें कुछ समय लगा बट देन फाइनली ब्रीच द इन साइट ऑफ दैट समी नोटिस विद ग्रेट जुबिलेशन दैट इट वॉज पाकिस्तान नेवल शिप काजी यहां तक कि शिप के अंदर जो घड़ी थी वो ठीक सवा बारह बजे रुक गई थी यही वो टाइम था जब लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह ने अपने डेथ चार्जेस को आगे भेजा था नाव

और साथ ही साथ माइन ये दोनों के एक्सप्लोजन ने मिलकर पीएनएस गाजी को तबाह कर दिया लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं मानता पाकिस्तान ये मानता है कि हां गाजी वॉज लेइंग इन वेट फॉर आई विक्रांत जैसे ही वो पेरिस्कोप लेवल तक ऊपर आए सामने से एक डिस्ट्रॉयर को आते देखकर गाजी ने डाइव लगाया और डाइव लगाते ही जब उसने वापस रिट्रीट किया